वो तो अभी कह रहे बैंक के फॉर्म भर दे। मैं तो उसी बात में परेशान होता जा रहा हूँ दिन भर दिन। बट यूट्यूब के अलावा तो हैं ब्रांड्स ही हैं जो बाहर से आते हैं ब्रांड्स, एंड उनका बहुत महत्व अब जाके पता लग रहा है। तो मेरे केस में तो केवल ब्रांड्स हैं एंड लाइव शोज, तो लाइव शोज से भी निकल जाता थोड़ा बहुत, बाकी तो सिंपल है। मतलब यूट्यूब है, उसके अलावा स्पॉन्सरशिप्स वगैरह हैं, उसके अलावा अगर आपका लाइक ब्रांड्स भी हैं, लेकिन ब्रांड्स अपनी ये है कि अगर एथिक्स मैच हो उसके अलावा ना, तो मतलब काम करने मजा नहीं आता, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो समझ जाते हैं सेकंड में कि क्या सही है क्या नहीं है। तो मतलब इट्स गुड इनफ और ऑप्शन यूट्यूब के थ्रू आगे सेकेंडरी जो है वो बहुत सारे निकल जाते हैं। Cool. I'll change the question just a little bit. What's one advice? Let's start with the timeliners. Like, what's one advice would you give to all the people like who are starting here now? यार ये तो मुश्किल सवाल है, one advice. But अगर एक advice देनी है तो यार कि आपको audience बहुत बड़ी है यार internet पे. So don't chase the audience. आप अपना content बनाओ. Audience बहुत ज़्यादा है. आपका type का content audience ढूंढ लेगी. सो आई डोंट थिंक कि आपको मोल्ड करने की जरूरत है अपना कंटेंट किसी के भी हिसाब से. सो यू शुड जस्ट मेक व्हाट यू फील मेकिंग. दैट्स द ओनली एडवाइस आई थिंक वी वुड हैव. इट्स प्रीटी गुड. मेरे ख्याल से मैं चाहे तो मैं कितने भी एडवाइस दे दूं, कुछ भी दे दूं, ये टिप्स वो टिप्स कुछ काम नहीं करेंगी. सब लोगों का अपना अपना होता है. तुम लोग जैसे अपना कंटेंट ड्राइव करना चाहते हो, तुम जैसा कंटेंट बना चाहते हो, तुम पे डिपेंड करता है. तुम उसे कैसे बनाते हो, कैसे उसको तुम डायरेक्ट करते हो, ये सब तुम्हारे ऊपर है. तो जब तक तुम्हें मजा आ रहा है तो लेते रहो मजे. ऑडियंस अपने आप ग्रो होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और हो जाएगा यार. इतनी टेंशन और स्ट्रेस की बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बस कॉन्टेंट बनाते रहो और मजे से बनाते रहो और दिल से. आई थिंक कि कुछ नया लाने की कोशिश करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करने का. जैसे फॉर एग्जांपल आप लाइफ में भी अब एक ही कपड़े तो पहनते हैं, कुछ ना नया कुछ और करते रहते हैं, तो वैसे ही यूट्यूब पे भी व्यूअर्स जो है वो एक ही टाइप के वीडियोस देख देख के बोर हो जाते हैं. तो कुछ नया सोचो, कुछ क्रिएटिव सोचो कि कैसे मैं नॉट कॉपिंग अदर्स बट कुछ अलग दिखा सकूँ लोगों को. हो सकता है कि मिस हो बट हो भी सकता है कि हिट हो जाए और आपको एक और ब्रेक थ्रू मिल जाए. गुरुजी, मैंने ना एक बार पहले सोचा था कि मैक्सिमम कितनी ऑडियंस मिल सकती है यूट्यूब के थ्रू. लेकिन फिर एक यूट्यूब का इवेंट था, तब मेरे को मालूम चला कि इंडिया में 225 मिलियन यूजर्स हैं यूट्यूब के, और अभी तो 5 मिलियन ही हुए. तो बेसिकली लोग तो भरपूर हैं सामने आपकी वीडियोज देखने के लिए, अब तो भरपूर है. हाँ, तो अभी ऐसे में आपको मालूम है कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो. मतलब ना हम खुद के जज होते हैं कहीं ना कहीं अंदर, लेकिन हम उस चीज को कभी कभी भूल जाते हैं. तो अगर अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, आपको मालूम है कि हाँ आप सही काम कर रहे हो, आप मेहनत से कर रहे हो, तो बस वही करते रहो, आपको रिजल्ट तो मिल ही जाएगा. और इन चक्करों मत पड़ो यार कि कमाई नहीं हो रही है, अभी नया रूल आ गया है 4000 घंटे का वॉच टाइम करना है, ये करना है, उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप एज लॉन्ग एज अपनी तरफ से आपको मालूम है कि आप सही काम कर रहे हो और मेहनत से कर रहे हो, तो बस वो कंटिन्यू करते रहो, उसमें मत रुको. रुक गए तो क्या पता वो कल ही मतलब कुछ अगर क्लिक होता ना था जो आप आज रुक गए हो, तो बस अपने आपको रोको मत और बस आगे ऐसे बढ़ते हो यार सब. मतलब ये आपको मतलब मालूम चलेगा नहीं कि ये क्या पता कल या परसों या कौन सा वो दिन है जिस दिन आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार ये तो कमाल हो गया है, तो वो कमाल कभी भी हो सकता है. और एक और क्वेश्चन है मेरा गुरुजी के लिए स्पेशली, बिकॉज आई रिमेम्बर लास्ट ईयर हम ट्रैवल कर रहे थे बिटकॉन ऑस्ट्रेलिया, और गुरुजी चाहे जो भी कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो वीडियो बना रहे थे और वीडियो अपलोड कर रहे थे, वो कार में बैठ के एडिट कर रहे हैं वीडियो, सब लोग गाड़ी में अंताक्षरी खेल रहे हैं और गुरुजी वीडियो बना रहे हैं. आप इतना डेडिकेशन कहाँ से लाते हैं? यार डेडिकेशन की बात ना, मैंने इसको एकदम सिंपल ऐसा रख लिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जाते हो, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स, या आपको अगर खाना खाना है, तो वो आपका रूटीन डेली रूटीन में सेट है कि आपको सुबह 6 से 6:30 तक काम करना है. तो ऐसे ही मैंने अभी जो वीडियोज बनाने की बात है, दिन के 2 बना रहा हूँ, तो वो मैंने सेट किया रूटीन में, कहीं ना कहीं मेरे को मालूम है. और आई थिंक ये जो मतलब ना नेचर्स क्लॉक होती है, जहाँ पे एक बार अगर आप किसी चीज को फॉलो कर लो तो देन नेचर सपोर्ट्स यू, कि अभी आज शाम को मेरे को इसके बाद में रिहर्सल से जाना है कल शो के, लेकिन मेरे को मालूम है कि वीडियो बनानी है टिकटॉक्स, तो बन जाएगी कहीं ना कहीं से, मतलब टाइम निकल जाएगा. और मैं कभी अपने आप को नहीं रोकता हूँ किसी चीज़ के लिए. मतलब मेरे को मालूम है कि लोग उसका वेट कर रहे हैं, एक सीरीज है, एक फ्लो है, जिस दिन फैनफेस्ट अभी कल होने वाला है, तो उसके रात को भी मैं रात को 12 बजे की प्लानिंग कर रहा हूँ वीडियो बनाने की. तो आई नो कि ये चीज़ कभी ना कभी तो रिवॉर्ड देती है आपको ना. भुवन, तुम्हारा क्या एडवाइस है लोगों के लिए? यार एडवाइस ये जो ये बेसिक ये मेन की पॉइंट्स हैं जो इन लोगों ने बताए आपको. एक मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ ना, ब्रो टू ब्रो जो एडवाइस है, बदतमीजी चाहिए होती है यूट्यूब में. बता दो कैसी बदतमीजी. आप यू गाइज नीड टू लर्न टू टेल पीपल टू वॉच एंड शेयर योर वीडियो. तंग कर दो अगले आदमी को. भाई भाई
फेसबुक है ना अपने पास मीडियम, 300 फ्रेंड्स हैं हमारे, कौन है पता नहीं, 300 फ्रेंड्स, 400, 900, हजार हैं कहीं होके, तो हजार फ्रेंड्स हैं, तो एक मैसेज डालो कि भाई साहब ये मेरी वीडियो आई है इसको देखो, वो बंदा सीन करके छोड़ देगा, वापस करोगे सीन करके छोड़ देगा, वापस करोगे एक टाइम को बोलेगा हाँ भैया देख रहा हूँ रुक जा देख रहा हूँ, तो आई थिंक दैट वर्क्ड विद मी अलॉट। जब बीबी वाइंस के शुरू शुरू के जो वीडियो थे, एक चकमा इशू था, फिर एक न्यूज रिपोर्टर वाला था, तो वो मैं लोगों को भेजता था, लोगों को लगता था कि आप पागल, क्या कुछ हिसाब नहीं है इसका, ये नहीं है वो नहीं है, फिर किसी एक बंदे ने बोला यार मैं देखता हूँ देखता हूँ, एंड उसको अच्छा लग गया वीडियो एंड ही शेयर्ड इट। अब उसने शेयर किया, उसकी प्रोफाइल में हजार लोग हैं, उस हजार में से मान लो ना करता करता पांच बंदा तो देखेगा, वो पांच बंदे में से अगर एक बंदे को अच्छा लगा फिर वो शेयर करेगा, तो ये जो साइकिल है ना ये बहुत वाइटल है, और ये आपको समझ ही नहीं आएगी, ये होता रहेगा अंदर ही अंदर से, तो प्लीज ढिटाई से बदतमीजी से लोगों को बोलो कि शेयर करें, और हक से बोलो कि शेयर करें, क्योंकि जब आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस भेजते हैं यही लोग व्हाट्सएप पे, फिर नवरात्रि के मैसेज भेजते हैं, गुड़ी पारवा के मैसेज भेजते हैं, कोई लेन देन है नहीं हमें वैसे, तो ये तो अपना हक का है, तो ये मांगना सीखना चाहिए।